जय हिंद साथियों, मैं दिल्ली से अलका लांबा बोल रही हूँ। क्या बोलूँ मैं, अभी खबर आई है कि महाराष्ट्र के कर्जत, नहीं मालूम कर्जत कहाँ है, शायद अकोला के आसपास की कोई जगह है, 8 नाबालिग बेटियां जो गूंगी और बहरी, जो सुन नहीं सकती हैं, बोल नहीं सकती हैं, उनके साथ बलात्कार हुआ है। एक साथ हमारी 8 नाबालिग बेटियों के साथ बलात्कार महाराष्ट्र में हुआ है। अब ये मत पूछिएगा कि उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर की तरह, देश की तरह महाराष्ट्र में किसकी सरकार है। अगर मैं ये बताऊंगी कि भाजपा की सरकार है तो आप कहेंगे मैं राजनीति कर रही हूँ, इसलिए मैं नहीं बताऊंगी किसकी सरकार है, किसकी जिम्मेदारी है इन बेटियों के लिए। जो है 8 नाबालिग बच्चे, 6 साल की उम्र है उस बेटी की, जिसने घर जाकर अपने पिता को बताया, 6 साल की बच्ची अपने पिता को बता रही है कि मेरे प्राइवेट पार्ट्स में दर्द हो रहा है। पिता ने माँ को बताया और जब डॉक्टर के पास लेकर गए तो पता लगा इन बेटियों के साथ, 6 साल से 12 साल की बेटियों के साथ, इनके केयर टेकर ने, जहां पर इनको रखा जाता था, उनके साथ बलात्कार किया। और कब से ये बलात्कार कर रहा था ये वहशी दरिंदा, नहीं मालूम किसी को भी, कब से हमारी बेटियां इस दर्द को जो है वो सह रही थी। लेकिन अगर एक बेटी का दर्द इतना बढ़ गया कि वो बताए बिना नहीं रह पाई, और उसने अपने पिता जब उसको मिलने आए तो वो हमारी बेटी जो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, इशारों में उस बेटी ने, 6 साल की बेटी ने अपने पिता को बताया कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में दर्द है। कहां चली गई इंसानियत, कहां चली गई, क्यों इतना आप छह साल की बच्ची को नोच रहे हैं, नाबालिग बच्ची है वो, बोल नहीं सकते, सुन नहीं पा रहे, इशारों में अपने पिता को इशारों में बता रही है कि मेरे प्राइवेट पार्ट्स में दर्द हो रहा है। ये महाराष्ट्र में करतन बता रहे हैं, कोई जगह है अकोला, हाँ, 8 बच्चियां, नाबालिग बच्चियां, दिवांग बेटियों के साथ हमारी अभी बलात्कार हुआ है। कोई हो हल्ला नहीं, कोई हंगामा नहीं है, कब से दर्द सहन कर रही थी ये बेटियां नहीं मालूम है, लेकिन दर्द इतना बढ़ गया एक बेटी का कि उसे मजबूर होकर अपने पिता को इस दर्द बयान करना पड़ा कि मेरे प्राइवेट पार्ट्स में दर्द है। वो बेटी अगर दर्द अब तक सहन कर रही थी, दर्द ना बढ़ता तो शायद ये दर्द इशारों में, क्योंकि जुबान नहीं है उस बेटी की हमारी, वो बेटियां 8 महाराष्ट्र की जो है वो बोल नहीं सकती, वो सुन नहीं सकती, इशारों में अपने पिता को बताया, क्योंकि दर्द इतना बढ़ चुका था, जबान नहीं खुल रही थी उनकी, क्योंकि उनको भगवान ने ही ऐसा इस दुनिया में भेजा है कि वो बोल नहीं सकती, उनकी जुबान नहीं है। उसी का फायदा उठा के इस दरिंदे ने हमारी 8 बेटियों का महाराष्ट्र में बलात्कार किया। खून नहीं खोल रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 15 तारीख को देश के प्रधानमंत्री जी, आपके पास प्रश्नों के जवाब, बहुत प्रश्न है इन बेटियों की, बेटी बचाओ का बात किया था, 15 अप्रैल को आपके घर के दरवाजे पर आएंगे, आपसे जवाब मांगने। सुना आप विदेशी दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन आपको जाने से पहले इन बेटियों के बलात्कार, चाहे वो उन्नाव में है, चाहे वो हमारे जम्मू कश्मीर कठुआ में हमारी बेटी है, और चाहे हमारी 8 नाबालिग दिवांग बेटियों के साथ जो महाराष्ट्र में आपकी सरकार के तहत हमारी बेटियों के साथ आए दिन हो रहा है, लानत है आपको, थूकती आपको, कीड़े पड़े आप सभी लोगों को जो हमारी बेटियों को इस तरह की गंदी नजर ही नहीं रख रहे, उन्हें नोचने से भी बाज नहीं आ रहे। ये महाराष्ट्र की अभी की खबर है, मुझे नहीं मालूम आप लोगों को ये खबर पहुंची आप तक या नहीं पहुंची है, या दबा दिया गया है, या मीडिया में इसकी चर्चा है या नहीं है, लेकिन ये घटना आज सबके सामने आई है कि जहां कठुआ में एक बेटी को नोचा और उन्नाव में एक बेटी को नोचा, वहीं महाराष्ट्र में भाजपा शासित सरकार में बेटी बचाओ संस्कारों की जो बात करते हैं, 8 हमारी दिवांग बेटियों को नोचा है, लेकिन कोई हो हल्ला नहीं, कोई खून नहीं खोल रहा किसी का, और इनकी नेता क्यों चुप बैठी है मुझे नहीं समझ आ रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा है। कह रहे हमारे कठुआ, हमारे जो मंत्री कठुआ में गए वो गुमराह हो गए हैं, वो भटक गए हैं, एक मंत्री भटक रहा है, आप सोचिए
शर्म आती है आपको, खून खोलता हो तो फैलाइए इस वीडियो को और बताइए कि महाराष्ट्र में भी 8 हमारी नाबालिग बच्चियां जिनकी उम्र 6 साल से 12 साल है, उन बेटियां जो गूंगी हैं, बहरी हैं, सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती हैं, इशारों में अपना दर्द अपने पिता को घर पे जाकर बताया है कि उनके प्राइवेट पार्ट्स में दर्द हो रहा है, और जांच में पता लगता है कि हैवान ने हमारी बेटियों को नोचा है।